हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबके? मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल और लेकर आया हूं आपके लिए करियर मोड सीरीज में एक और नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में जो 2 विकेट्स मिले थे, उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में अब तक मुझे एक भी विकेट नहीं मिली है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मुझे विकेट्स जल्दी मिल जाए और मैं अपने टीम को मैच जिता पाऊँ, बिकॉज इमरान को भी अभी तक एक भी विकेट नहीं मिली Sonny from the press box है। चलिए end. गेम पे आ चुके हैं, स्वीप में तो कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। ट्राई करेंगे इसको एज निकलवाए, फिर गलत बॉल। स्कोर है 162 फॉर 5 और 336 का टारगेट है इनके साथ में अभी फिलहाल। ओए A bit of shape on the ball as they let it go through. Tailed just a little at the end as it went through to the keeper. बढ़िया बढ़िया, शुरुआत अच्छी हुई है। एक ही रन आया 3 बॉल में अब तक। खेल ले भाई, एक बॉल तो खेल ले। खेलेगा नहीं तो मुझे विकेट कैसे मिलेगी भाई? खेलना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि स्विंग नहीं है तो बॉल भी ढंग से यॉर्क नहीं हो रही है। एक ट्राई करते ऑफ कटर डालने के लिए, देखते फंसता है कि नहीं। ओए बच गया यार, तो एक रन आया इस ओवर से और खत्म। तुरंत ही 174 पर ऑल आउट हो गई टीम, मुझे तो एक भी विकेट नहीं मिली। देखते स्कोर कार्ड, फाइनल विकेट ज्यादा किसने लिए? 3 विकेट्स मलिक ने लिए, 2 लिए सिल्वा ने, 2 लिए इमरान ने और 1 विकेट मिला आनंद को। मुझे कोई विकेट नहीं मिली और शायद मैं सबसे ज्यादा महंगा भी साबित हुआ इन सभी बॉलर्स में से। 3.44 रन के हिसाब से मैंने रन दिए। हाई स्कोर रहा 35 का जो वियान सुल्तान ने बनाया। उसके बाद अर्नव फरात ने 34 बनाए, 23 बनाए माधव यूसुफ ने। जैसे ये दोनों आउट हो गए, पूरी की पूरी टीम लड़खड़ा गई, सिमट ली गई 174 पे। हमने शायद स्टार्ट किया था इस दिन को 162 for 4 या 162 for 5। 12 रन के बीच में बाकी के 5 विकेट लेके हमारी टीम जीत चुकी है। बढ़िया रहा। तो आगे देखते हैं आज का मैच हमारा आगे किसके साथ में आने वाला है अब करियर मोड सीरीज में। आज का मैच है उदयपुर पार्क पे, उदयपुर की टीम के साथ। उसके बीच में हम थोड़ा फैटिक मैनेजमेंट और फैंसी रिट्रीट वगैरह करते हैं ताकि दिन निकल जाए फटाफट। 2 दिन बचे ट्रेनिंग में, एक बार हम लोग जिम ट्रेनिंग कर लेते हैं। काफी टाइम से हमने कोई जिम की ट्रेनिंग नहीं की। ट्राई करेंगे आज कि हम लोग गोल्ड मेडल ले सके। हार्ड वाला इंटेंस वर्कआउट लेते हैं। स्टार्ट, उठाइए साहब जी। ओए 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 ओए, काउंट, सॉरी भाई, मुझे ज्यादा देर तक उठा के रखना पड़ा, मैंने गलत बटन दबा दिया इसके लिए। देखते 10 रिपीटेशन हो चुके हैं और 15 सेकेंड बचे। हम देखते और कितने रिपीटेशन हम खत्म कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और खत्म। सिल्वर मेडल मिलते हुए फिर से एक बार, शायद वो 1 दिन बचा है मैच को। चलिए मैच पे चलते हैं डायरेक्टली। चलिए गेम हो चुकी है स्टार्ट। ये रही मछली वाली टीम और ये हमारी एलियन वाली टीम। ये हमारी टीम, मैं अभी भी 5 नंबर पे खेल रहा हूँ, उससे ऊपर आ ही नहीं पाया हूँ कभी भी मिडल ऑर्डर में अब तक, क्योंकि हमारा फॉर्म ही वैसा अच्छा नहीं रहा है बिल्कुल भी। हेड्स लिया है मेरे कैप्टन ने, हेड्स और टेल्स आया है पहली बार। उदयपुर ने टॉस जीता है अपने ही होम ग्राउंड पर। देखते हैं बैटिंग आती है, बॉलिंग हमारी, बैटिंग लिया उदयपुर ने, यानी हमारी बॉलिंग आई है। They'll get out there and look to cash in on batting first.
और दो विकेट ऑलरेडी गिर चुके, इमरान ने एक विकेट ले ली है। हम बॉलिंग की शुरुआत करने से पहले बस स्कोर कार्ड देख लेंगे। 7 ओवर्स 49 for 2, 7 रन के हिसाब से लोग खेल रहे, क्लब T20 मैच है। आनंद और इमरान ने एक एक विकेट ली है और हमारी बारी आई है। अब ट्राई करेंगे हम कि हम विकेट्स ले पाए और ज़्यादा महंगे ना हो। Sonny from the press box end. A very defensive field this. Oye, good bowling, Lala. पहला बॉल तो बहुत बढ़िया गया। अरे हुक पुल है, चलो कोई बात नहीं, हम बाहर ही डालेंगे, हम हमारी लेंथ और लाइन होल्ड करके रखेंगे। बढ़िया बढ़िया, कोई रन नहीं आए दो बॉल पे पहले। बढ़िया बॉलिंग और बाउंड्री, जैसे ही यॉर्कर डालने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं एक बॉल अच्छे से चली जाती है बाउंड्री पे। तो सही लेंथ ये है इसको बॉलिंग करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा ये लेंथ सही है बॉलिंग करने के लिए, इसको ये खेल नहीं पा रहा है इस लेंथ पे बॉल डालने के बाद। हम इसको इसी लेंथ पे बॉल डालने की ट्राई करेंगे, शायद विकेट मिल जाए। यार ये तो हक दिया, पूरे ओवर में एक बॉल अगर हगे ना तो कैसे होगा। ए दो भाग लिया, अरे क्या थ्रो कर रहे हैं भाई, थकेले जैसा, इधर थ्रो करता तो आउट हो जाता ना। कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं इनका, कौन से सस्ते नशे करके ग्राउंड पे आते हैं खेलने। लेग साइड पर लेकिन कोई रन नहीं, 6 रन आए इस ओवर से हमारे फर्स्ट ओवर से। अब स्पिनर्स आ चुके और एक और विकेट जा चुकी है, तीसरी विकेट हो चुकी है हमारी। जावेद भाई को कट करवाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे एक स्लिप लानी पड़ेगी कट करवाने के लिए। देखते हैं हमारे पास डिफेंस में कोई स्लिप वाली फील्डिंग है कि नहीं। चलो है, कट करवाओ जावेद भाई से, कट करेंगे तभी विकेट मिलने का चांस आएगा। कट करने गया पहले ही बॉल पे और एज नहीं लगी यार, क्या बढ़िया बढ़िया। बैक फुट पंच और बाउंड्री, अरे यार यहाँ पे हमेशा फील्डर रखता हूँ मैं यार, ये कैसे भूल गया मैं। फिर एक बार फील्ड सेट करनी पड़ेगी अब। चलो ठीक है, नॉट मेनी फील्डर्स लेफ्ट इन द सर्कल, द कैप्टन गोइंग वेरी डिफेंसिव। खेल भाई क्या हो गया अभी, खेल 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 बेटा खेल, क्या हो गया, मारो कट मारो। बढ़िया लेकिन हक दिया। Usman did very nicely out there on the boundary. There'll be one run here for them. जुमा भाई आ चुके हैं, जुमा भाई का शायद ड्राइव है जी, इनको ड्राइव करवाते हैं। ड्राइव किया है और एक रन मिलेगा। कभी कभी तो मुझे समझता ही नहीं वीके स्किल किसको बोलते हैं। वीके स्किल वो होता है जिस पे खेलने को डिफिकल्टी हो, और यहाँ तो इतने आराम से वीके स्किल पे भी खेल लिया जाता है कि पूछो मत। फिर से ड्राइव, स्लोअर डिलीवरी डाली थी मैंने एक। 7 रन आएंगे इस ओवर से, अब तक कोई विकेट नहीं आई है। 2 ओवर में 13 रन, नॉट अ बैड स्कोर। और इटो टीम निपट गई, ऑलरेडी निपट गई टीम। 19वां ओवर हमको डालने मिला है और हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि डेथ ओवर्स वाली फील्डिंग लगाए और फिर खेले। बोल्ड है, हाउ वाज दैट प्लम्ब है सर, आउट है, अरे आउट दे दे। ये अंपायर तो कभी आउट देते ही नहीं है, लेकिन शायद बाहर चली भी जाती क्या पता, बहुत ज्यादा टेल इन किया था मैंने, बाहर ही चली जाती मेरे हिसाब से, नहीं रहती अंदर। पैक्ड इन लाइन और मिसिंग विकेट्स एज यूजुअल, हमेशा की तरह। कैच बेटे, अरे यार ऑन टू द फ्रंट फुट अर्ली, प्लेस्ड इट परफेक्टली इनटू द गैप, टाइम्ड इट नाइसली। Four more.
The captain making some adjustments to the field here. खेल बेटा अब यही शॉट खेल वापिस दो बॉल खेल दिया बेल दिया बाउंड्री भी मार दिया शाबाश ए रुक जा just need to get more control back they shouldn't get too discouraged with that last ball the first step as a bowler is to get the batter playing which they've managed if they can seedhe hath mein jayega lekin wicket nahi milegi free hit tha bad luck a few moves made in the field good running just finding the gap and that allows for aa chuke hamare is over mein 3 ball mein 10 run ab tak कैच इट कोई है ही नहीं वहां पे यार क्या गैप एक्सप्लॉइट करते हैं यार ये लोग सही में आखिरी ओवर तो जैसे पनौती है हमारे लिए ओए अब खेल आ गया स्वाद अब सिक्स यही बचा था होना इस ओवर में किस्मत खराब ओपी सबसे महंगे एज यूजुअल हम ही साबित हुए 3 ओवर में 33 रन बाकी सबने अच्छी बॉलिंग की ऑलमोस्ट एक बूम्स को छोड़ के जिन्होंने 12 रन दिए एक ओवर में ओ बैटिंग भी नहीं है हमारी बहुत बढ़िया भाई आर्यन खान तो भाई फॉर्म ऑफ हिज लाइफ 84 ऑफ 42 और हमें बैटिंग ही नहीं मिली हमें चांस ही नहीं मिला मौका ही नहीं मिला कि हम कुछ रन मार पाए विकेट्स तो हमारी आई नहीं और देखते कोई ट्रेनिंग वगैरह हम लोग कर ले थोड़ा जिम में कौन सी बेंच प्रेस कर लेते हैं थोड़ा कैसे करना है मैंने पढ़ा नहीं है अरे भाई चल ब्रॉन्ज मेडल एक बार फिर से कर लेते थोड़ा सा अब एक दिन बाद होगा चलिए फिर से चलते जिम ट्रेनिंग बेंच प्रेस हार्ड 30 सेकेंड में कितना होता है हमसे देखते दस किए सिल्वर मेडल मिला हमें तो गाइज आज के एपिसोड के लिए इतना ही काफी है मिलते हैं हम अगले एपिसोड में तब तक के लिए सायोनारा।